आज का ये वीडियो बहुत ही खास व्यक्तित्व वाले अभिनेता के बारे में होने वाला है। जी हाँ, आज हम डैनी डेंगजोंगपा और उनके परिवार के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डैनी डेंगजोंगपा भारतीय सिनेमा के बहुत ही महान अभिनेता है। डैनी को ज्यादातर उनके नकारात्मक किरदारों के लिए जाना जाता है। कांचा चीना का नाम तो सुना ही होगा आपने। डैनी को लोग ज्यादातर अग्निपथ में निभाए गए उनके इसी नकारात्मक किरदार से जाना जाता है। यूं तो डैनी की फिल्मों की सूची काफी लंबी है, जिसमें उन्होंने अपने नकारात्मक किरदारों से सबको चौंका दिया था, जैसे फिर वही रात, धर्म और कानून, कानून क्या करेगा, अंदर बाहर, ऊंचे लोग, आंधी तूफान, घातक, हम, क्रांतिवीर, पुकार और खुदा गवाह। जितना डैनी को उनके नकारात्मक किरदारों के लिए जाना गया, उतना ही उन्हें उनके कुछ सकारात्मक किरदारों के लिए भी जाना गया। डैनी की कुछ फिल्में जिनमें उन्होंने सकारात्मक किरदार निभाए वो हैं फकीरा, चोर मचाए शोर, देवता, कालीचरण, बुलंदी और अधिकार। इस 73 वर्षीय अभिनेता का जन्म 25 फरवरी 1948 को सिक्किम में हुआ था। डैनी सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं, वो एक निर्देशक, लेखक और गायक भी है। इन्होंने कई नेपाली और हिंदी फिल्मों में गाने गाए हैं। डैनी को 2003 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी नवाजा गया था। अब अगर डैनी की पारिवारिक जिंदगी की बात करें तो इन्होंने 1990 में गावा डेंगजोंगपा से शादी की। डैनी की परवीन बाबी के साथ अफेयर की खबरें भी खूब आई थी। खैर, अभी डैनी और गावा के दो बच्चे हैं, रिंजिंग और पेमा। रिंजिंग डैनी के बेटे हैं, जो स्क्वाड फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। वहीं पेमा डैनी की बेटी हैं, जिन्होंने लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी की है और अभी एक उद्यमी यानी कि एंटरप्रेन्योर है। पिता के एक्टर होने के बावजूद पेमा को लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद है। वैसे पेमा सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं। फिल्मों में एक्टिंग का उन्हें कम शौक है। वेल दोस्तों, ये थी बॉलीवुड के महाखलनायक डैनी डेंगजोंगपा और उनके परिवार के बारे में कुछ खास बातें। वैसे आपको कैसा लगा डैनी डेंगजोंगपा के परिवार के बारे में जानकर? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बॉलीवुड की मसालेदार और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।